अस्सलाम वालेकुम। खैर से फाइनली आज हमारे पास है यहाँ पर ईद, और ईद का दिन है, मतलब सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने। इस टाइम यहाँ पर 4:45 हो रहे हैं, और जो जमात होगी वो पूरे 5 बजे जमात होगी, और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद। फिलहाल हालात कुछ ये हैं कि मतलब आज जो जो कुछ होगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और बाकी मैं तकरीबन रात को 3-1 बजे उठ गया था, क्योंकि मेरी वो रोज़ों की रूटीन बनी हुई है कि रात को जल्दी उठ के मस्जिद चले जाने वाली, तो इस वजह से मैं तकरीबन रात को ज़्यादा देर सोया भी नहीं, सिर्फ रात को थोड़ी देर सोया हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद, मस्जिद चल के देखते हैं कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम अभी होने वाला रहता है। सबसे पहले पढ़नी फजर की नमाज़, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगा पार्क में, कि वहाँ पर जाके देखना कि क्या क्या काम अभी रहता है, तो फिर वो काम करवाऊँगा और वो सारा कुछ आप लोगों को मैं वहाँ पर जाके दिखाऊँगा। उसके अलावा ये क्या सुनसान सड़क है, यहाँ पर चलने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि कोई शोर कोई ट्रैफिक कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सुनसान सड़क। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ मस्जिद और वहाँ पर नमाज़ पढ़ के उसके बाद पार्क जाऊँगा जब, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं पार्क अभी नहीं जाऊँगा, पार्क में तकरीबन 7-1 बजे जाऊँगा, जब पार्क जाऊँगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। नमाज़ पढ़ी थी और नमाज़ पढ़ के अब मैं जा रहा हूँ घर, तकरीबन टाइम पता नहीं क्या है, आप लोगों को टाइम बताते हैं। 5:21 हो रहे हैं, नमाज़ पढ़ के मैं फारग हो गया, घर से अब जाता हूँ घर। घर जाके मैं मैसेज करूँगा कि भाई मुझे बताओ कि मेरी ज़रूरत है कि नहीं किसी काम में, अगर नहीं है तो फिर तो मैं सो जाऊँगा, अगर है तो फिर मैं जाके मतलब नहा धो के तैयार श्यार होकर फिर मैं पार्क में जाऊँगा, ताकि मैं जाके उनकी मदद कर सकूं। अभी देखते हैं क्या जवाब आता है, और जब जवाब आएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा आप लोग सारे बताएं कि आप लोग ईद वाले दिन किस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, शलवार जीन्स पहन रहे हैं कि पैंट शर्ट पहन रहे हैं। खैर से पहले तो मैंने सोचा था कि घर चला जाऊँ, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरा प्लान बदल गया, मैंने कहा कि पार्क जा के देख लूँ कि पार्क में कितना काम हो गया, कितना रह गया, जब बाकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद चला जाऊँगा। मैं पहले जाके इसलिए देख लूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इनके पास कितना काम रहता है करवाने वाला, क्योंकि मेरे कपड़े ना गंदे होना इस वजह से, क्योंकि मेरा काला सूट है उसके ऊपर जो भी मिट्टी मुट्टी आएगी ना तो भाई वो सारी साफ पता चलेगी। इस वजह से मैं पहले जाके देख रहा हूँ, फिर उस हिसाब से मैं इनके पास काम करवाने जाऊँगा, जो सीधी सी बात है। हकीकत कैसे मस्जिद तो आ गया था, आई मीन मस्जिद क्या नमाज पढ़ने आ गया था, लेकिन उस टाइम जब मैं आप लोगों का चल के दिखाता हूँ वो मैं भूलिया था आप लोगों को दिखाना। फिलहाल मैं डोनेशन के डब्बे के पास और यहाँ पर डोनेशन का डब्बा दिखाता हूँ। ये यहाँ पर अब तक लोग आए हैं, 8:30 जमात होने, तो अभी थोड़ा सा टाइम पड़े। और ये जो मैं जिन डोनेशन के डब्बों के पास खड़ा हूँ ये वो शश के हैं, मैं पीछे साइड पर होते हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकता। तो अभी यहाँ पर नुकसान नमाजी खड़े हैं, नमाज़ पढ़ने लगे, बंदा बाद में ये ना कहे कि अब्दुल्ला ये नमाज़ में कैमरा निकाल के खड़ा था, बस ये देखो ये पीछे इतने बंदे पिछोड़ते हैं ये सारा। और ये कई साहब इनके सर पे फिर टोपियाँ शेर था, उन्होंने जमात करवानी है ईद की। नमाज़ पढ़े थी, नमाज़ पढ़ के वापस अपने काम पे आ गए, जो मेरा काम था वो कर रहा हूँ। अभी ये उधर खाने पीने का सामान है पीछे छोड़ते हैं, जो कि मैं नहीं दिखाना चाह रहा। ओके, ये नारायण भाई का दोस्त है जो बैग पहन के खड़ा है, इन्होंने ये दिमाग से बात खेलने जाना है। बाकी आपको कल की खाना दिखाऊंगा लास्ट में, ये इनके पास ये खाना और वो लास्ट में दिखाऊंगा, और उधर उनके पास मतलब ये औरतों के उस साइड के बंदों के। मैं यहाँ पर बड़ा मसरूफ था, मैं खाना दे रहा था लोगों को, ठीक है, तो अब मैं अपनी प्लेट बना लगा एंड में, क्योंकि मैं खानों का खिला लिया, अब मेरी खुद की बारी है, मैं अपना खाना मतलब अपनी प्लेट तैयार करके आप लोगों को प्लेट दिखाऊंगा। यहाँ से प्लेट उठाते हैं और आगे चलते हैं तैयार करते हैं। आ जा भाई प्लेट, और प्लेट है क्या ये पानी, मैंने अपनी प्लेट तैयार की है, चल मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये बच्चा पकड़े, बच्चा ये नहीं, सॉरी बच्चा ये पकड़े मैं बैठा हूँ, घर का बच्चा, बच्चा मुद्दू थी वो खा रहे, ये बच्चा है, बच्चे के दांत ही अंदर जा रहे हैं, हमारा वो बच्चा रहा जीटी बस टैंक, इसका नाम है भाई। अब मैं यहाँ पर बैठ के मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ, 12 बजे आएगा खाना, नाश्ता का आया था, नाश्ता था जो मैंने आपको दिखाया था, अब खाना आएगा, खाना सर्व करूँगा, ठीक है,
उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई खाने में है क्या क्या, क्योंकि मैंने वो खाना सर्व करना या ये पूरा पार्क भरा हुआ है। अभी मेरे सामने भी लोग हैं बात ये इतना जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी सारी गाना सुने, तुम साथ नहीं तो फिर कौन है? उर्दू ज़बान का गाना चल रहा है। ये मेरे घर के कुछ बच्चे हैं जो बेचारे हैं, कुछ नहीं जा रहे बेचारे पूछने के लिए यहाँ पर आए थे। ये स्पेशल ये छोटे वाला बेचारा बस She's right here. They're just waiting on two more people. They're just waiting on one more person. If you don't mind. Governor. Okay. Thank you and keep all of you healthy. Assalamu alaikum. खैर से मैंने खाना शाना खा लिया, तो जुमे की नमाज पढ़ी थी, खाना में दिखाना भूल गया क्योंकि मैं फिर से सर्व कर रहा था, इस वजह से वो खाना दिखाने का टाइम नहीं मिला। अभी नमाज पढ़ी, आज हमारे पास जुमा था खैर से, तो इधर हमने नमाज पढ़ी। अब उसके बाद वालेकुम, जस्ट अ क्विक थिंग, इफ द ब्रदर्स अ फ्यू ऑफ देम कैन हेल्प फोल्ड अप द टार्प्स इंशाल्लाह वंस एवरीवन इज डन सो वी कैन स्टार्ट टू पैक अप। इनके ये भी मैंने मदद करनी है, प्लीज क्लीन अप आफ्टर योरसेल्व्स, pick up a garbage bag and if you can walk around and just pick up whatever you can. We do have the rides for another hour or so just be mindful of that. Ye hal hai bhai, yahan pe yahan pe gaane chal rahe hain, Indian gaane bas. आज हमारे पास यहाँ पर ईद का दिन है और इंडियन गाने चलने ये है ना, क्योंकि कॉपीराइट आ जाए। यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं, ये हमारे घर के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरे बस वीडियो पे कॉपीराइट आए, नहीं तो मुझे यहाँ से ये गाने सारे बंद करने पड़ेंगे। ये खैर से बस अब पैकिंग कर रहे हैं, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तब ये सारा कुछ पैक करके काम शाम करके घर चलेंगे। बाकी घर जाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या रूटीन होती है, क्या हिसाब किताब होता है सारा। और छोटा बच्चे नीचे गए, नीचे बची गई। फाइनली खैर से मैं तरीका, मतलब जो सारा काम करवाने के होने वाला था वो पार्क से मैंने सारा काम करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद खैर से मस्ती जाके वो सारा सामान मस्ती में पैक भी करना था, लेकिन वैसी सीधी बात है मैं काफ़ी थक गया था, मैंने इनको कह दिया कि मैंने नहीं करना। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, घर जाकर बाथरूम से होकर थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करके फिर वापस मस्ती चला जाऊँगा, क्योंकि तब तक असर हो जाएगी, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे, फिर आगे चल के आपको आगे के सीन दिखाएँगे कि आज क्या करना है। और उसके अलावा वो बातें बतानी आज क्या है। खैर से मैं उस टाइम घर जाके मैं सो गया था, और अब खैर से असर का टाइम हो रहा है, मैं असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद जाके असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद देखूँगा मैं घर जाके वापस होता हूँ कि मैं उधर अपने भाई के घर जाता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो भाई बड़ी सुस्ती हो रही है, बड़ी थकान हो रही है, बाद में देखूँगा कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। खैर से नमाज़ पढ़ ली है मैंने, नमाज़ पढ़ के यहाँ पे छोटा सा सामने सुनकर उनके फटा हो गया, वो देखने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। खैर से मस्जिद के अंदर एक औरत थी जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, गलती उस औरत की नहीं थी, गलती
उस बंदे की थी जिसने सोच की गाड़ी के बीच में गाड़ी मारी थी, उसने शेख दाऊद को कॉल की थी और हम लोग खैर से वो फड्डा देखने गए थे। खैर से जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, तो मतलब पुलिस वगैरह आके पुलिस ने सारा मामला हल कर दिया था। और खैर से अब मैं आ गया हूँ घर और 6 बजे मैंने जाना है डिनर पर, क्योंकि मेरी एक भाभी हैं और जिनकी सालगिरह है आज, तो उनका सरप्राइज है, तो आपको उसके सीन भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, मतलब सीन के आप लोगों को खाना दिखाऊंगा कि खाने में क्या क्या होगा, और उसके बाद मैं अपने लोग को एंड कर दूंगा। हकीकत बात है आज ईद का दिन था और आज ईद के दिन काम कर कर के ना तबाही फेंगी। पिछले साल ईद के दिन मैंने क्या किया था, पिछले साल ईद के दिन ईद नमाज पढ़ी थी, मस्जिद से नाश्ता किया था, नाश्ता करके बस मैं घर आया, राउंड टाउन चला गया, उसके बाद मैं सो गया था। इस बार मस्जिद गया, वहाँ से नाश्ता किया, उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाया, दोपहर का खाना खा के बाकी सारा तकरीबन थोड़ी देर बैठे हैं, फिर काम किया, सारा कुछ पैक किया, ताकि जो हमारे ऊपर लोग थे जो चीज़ों के ऊपर बैठे थे वो कुर्सियाँ सारी, और उसके बाद वो जो कारपेट बिछा हुआ था नमाज पढ़ने के लिए वो सारा कुछ किया। बस आज थके इस बार ईद पर, पिछली बार ईद सही थी, मतलब कोई थकान कोई थकावट कुछ नहीं था, इन्जॉय की थी, लेकिन इस बार भी ईद अच्छी है। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के लिए खाने का व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि खाने की बार ये था कि मैं खाना सर्व कर रहा था, इस वजह से बस, जब ये तो था नहीं कि मैं जेब से मोबाइल निकाल के अपना वो व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी और वहाँ पर जिस साइड पर मैं खड़ा था उस साइड पर औरतें आ रही थी, इस वजह से मैं औरतों की वीडियो तो बना नहीं सकता था। तो आप लोगों को मैंने जो अपनी प्लेटें दिखाई हैं सिर्फ वही देखें, और मैंने अपनी पहली प्लेट दिखाई थी, दूसरी प्लेट दिखाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दूसरी प्लेट के बारे में मुझे खुद बहुत भूख लगी थी, ये मैं काम कर करके थक चुका था। फाइनली मैं रेस्टोरेंट पे आ गया, हम जो खाना ऑर्डर करेंगे वो आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे हमारे पास 2 बच्ची हैं, बाकी बच्चे खाने के वो आना नहीं चाहते थे। हे सानी, और ये भाई के बीच में पोनी आ गया, अभी ये मेरा भाई बैठा ड्राइविंग कर रहा है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ये बस एक ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा, कोई टाइम नहीं कर रहा। खैर मैंने तो खाने की शक्ल दिखा दी थी, बाकी ये फिलहाल रेस्टोरेंट के पीछे खड़ा हूँ, ये था रेस्टोरेंट, ये उसका नाम आ रहा है साइड पे। खैर से अभी घर चल के देखते हैं कि नहीं, पहले घर तो जाना, देखते हैं क्या करते हैं आगे। मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, खाना बढ़िया लग रहा था, मज़ा आ गया, टिकटॉक पे गया ना डाडो मज़ा आया, बस वो वाला सीन आप कह सकते हैं। We love you so much for you, mommy. We can help you get out. We love you so much. Me and my brother and the baby. We love e-days with you, spending time with our mommies. All the time together. Love and kisses from Adam and San Andrew. We love you so much, mommy. We just love you so much. We love you, mommy. We so much love you. कैसे फाइनली मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, अब बस यहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, अब यहाँ पर मेरे लोग का एंड कर रहा हूँ, अब मैं आप लोग से मिलूंगा खाने वाले लोग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। यार मेरे पास यहाँ पर कोई रोशनी है जिसमें मेरी शक्ल शुक्ल नज़र आए, लेकिन बात गुजारा करने आप लोग की शक्ल देख के करेंगे भी क्या, बाकी खबर से ज़रूर बताने कि आज आप लोग के पास ईद है तो आपने ईद के कपड़े किस कलर के पहने और किसने किसने शलवार कमीज पहनी और किसने किसने पैंट शर्ट पहनी, मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। कमेंट्स बॉक्स में मैं आप सब के कमेंट्स पढ़ूंगा।